शर्मा, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़, तीन बदमाश हुए गोली लगने से घायल। अलीगढ़ के थाना अध्यक्ष पिशावा द्वारा शादीपुर नहर पुल पर की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिल सवार छह बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान मुठभेड़ में तीन बदमाश जावेद पुत्र मुश्ताक निवासी नई बस्ती थाना दादरी नोएडा, पुष्पेंद्र पुत्र राजेंद्र निवासी बीघा की गड़ी थाना टप्पल अलीगढ़, कुलदीप पुत्र राजवीर निवासी उपयुक्त के साथ एसओपी शाह मृदुल कुमार घायल हो गए तथा तीन बदमाश अंधेरे में फरार हो गए। बदमाशों की तलाश में काफी समय तक पुलिस ने कॉम्बलिंग भी की। घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल मलखान सी में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ में घायल अभियुक्त विगत दिनों खाल व्यापारी में हुई लूट एवं अन्य घटनाओं से वांछित है। बदमाशों से लूट के 90,000 रुपए, असलहा, कारतूस, खोखा व कार बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। बदमाशों के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। पेशे अलीगढ़ से पंकज चौधरी की एक खास रिपोर्ट। पिशावा रोड पर पुलिस द्वारा, पिशावा पुल थाने के पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान छह अभियुक्त थे जो करीब दो बाइक पे थे, वहाँ से निकले। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उन पर फायरिंग करते हुए आगे भागे, जिसमें पुलिस ने पीछा करते हुए मुठभेड़ में तीन अभियुक्तों के पैर में, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें तीन अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। उसमें हमारा एक जो एसओ पिशावा है उनके भी राइट हैंड में गोली लगी है और इन सबका इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। और जो अभी तक जानकारी मिली है उससे पता चल रहा है कि इनके द्वारा पिशावा और टप्पल क्षेत्र में पिछले दिनों में लूट की गई थी। और बाकी के बारे में और जानकारी की जा रही है, जो भी आगे तथ्य आएंगे उसके हिसाब से। अब इनाम भी घोषित है कोई नहीं? अभी तक इन पे यहाँ से कोई इनाम घोषित नहीं था। यहाँ पिशावा और टप्पल क्षेत्र में इनके द्वारा पिछले महीने विदिन अ मंथ इनके द्वारा लूट की गई थी। उसमें कोई बरामद आरामद हुआ है कुछ? इनमें अभी इनके पास करीब 90,000 के आसपास रुपये।